सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सोचते होंगे कि महाभारत फिर से शुरू हो गई। हाँ जनाब, महाभारत फिर से शुरू हो गई, लेकिन ये महाभारत वो महाभारत नहीं है। ये एकदम नई महाभारत है जिसे आपको लगातार देखना पड़ेगा, यानी कि हर एपिसोड, तब आएगा इसका असली मजा। कुल 10 तो एपिसोड हैं। अगर पूरा मजा लेना चाहते हैं तो शर्त यह है कि 10 के 10 एपिसोड देखे जाए। जी क्या कहा? मैं कौन हूं? ओ हो, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया जनाब। मैं पहिया हूं। पहिया? नहीं समझे, मतलब समय। भाई आप लोगों ने टेलीविजन पर महाभारत तो देखी होगी। अच्छा, देखिए तो आपने ये भी देखा होगा कि उसमें एक बैलगाड़ी का पहिया ऐसे ऐसे घूमता रहता था। अरे वही जिसके पीछे से धुआं सा उठता रहता था, वही जो समय का सिंबल था। हाँ, मैं वही पहिया हूं जनाब। अपने बीआर चोपड़ा साहब को उस पहिए की जरूरत इसलिए पड़ती थी कि जहां जहां वो कहानी को जोड़ना चाहते थे वहां उस पहिए को घुमा दिया करते थे। तो बस मैं भी इस कहानी का पहिया यानी कि सूत्रधार हूं। तो चलें अपनी नई महाभारत शुरू करें। मगर ऐसे कैसे शुरू करें? महाभारत के लिए तो एक कुरुक्षेत्र चाहिए, यानी कि लोकेशन। तो ऐसा करते हैं, लोकेशन पर चलते हैं भाई, अपने हीरो के घर, वहीं से अपनी नई कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, चलें, आइए 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 ना आइए। हाँ तो साहब, यही है वो जगह जहां से हमारी कहानी शुरू होनी है। ये हमारी कहानी के मुख्य पात्र, हीरो, नायक भीम व्यास का घर है। भीम व्यास। लीजिए, अभी हम महाभारत की बात ही कर रहे थे, उसका अगला एपिसोड टेलीविजन पे आना शुरू भी हो गया। चलिए अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक वक्त पे पहुंचे हम लोग। क्यों? क्योंकि अब दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भीम साहब बाहर निकलेंगे महाभारत का अगला एपिसोड देखने के लिए। पड़ोसियों के यहाँ टेलीविजन नहीं है ना बेचारों के पास। लेकिन साहब बहुत बड़े फैन हैं महाभारत के, कोई एपिसोड नहीं छोड़ते, बहुत बड़े फैन। लीजिए, यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, भीम व्यास। बहुत बड़े फैन है। भीम भाई जरा सुनो तो। अरे छोड़ना यार। अरे सुनो तो, भीम भाई जल्दी में है एपिसोड। चुप कर। ओली, नहीं मुन्ने राजा बेटा रोते नहीं। नहीं, क्या हुआ अम्मा? अरे कुछ नहीं भैया, वो मुआ भीम इसका चाचा इसको रोता छोड़ के चला गया महाभारत देखने। रो रहा है कि मैं भी जाऊंगा। चल ये सुना रहा हूँ, दिखा के ला। शांति से रूप से मिलने आए हो जी? शांत। हाँ जी। अच्छा, जाओ मिल लो, अंदर है। अच्छा, चल चल चल। बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे भीम जी की माता श्री और उनके साथ जो नन्ना सा बालक था वो उनका भतीजा सुंदर। आप दोनों शायद सोच रही हैं कि माता जी महाभारत देखने किधर गई हैं? किधर गई हैं? सुनारों के घर। दीदी चलो फिर सदारों के घर चलते हैं। साहब
ये हैं अपने भीम साहब की दोनों भाभियाँ, वो जो हरी साड़ी में थी वो बड़ी भाभी, और वो जो लाल साड़ी में, लाल चढ़ी मैदान, अच्छा बाद में सुनाऊंगा, वो जो लाल साड़ी में थी वो पतली सी, वो उनकी छोटी भाभी जी। नहीं 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 नहीं, अपने भीम की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो उनकी पत्नी कहां से आएंगी? आप भी कमाल का। क्यों साहब, महाभारत देखने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये भी चल दिए। ये कौन है? ये जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनके लाल लाल बाल हैं, वो भीम साहब के बड़े भाई साहब हैं, जिनका नाम है श्री शांति स्वरूप व्यास, और वो जो उनके साथ थे लल्लू से, वो उनके मझले भाई, उनका नाम है श्री धर्मवीर व्यास। आइए। है ये क्या, ये तो सारा का सारा परिवार ही निकल गया महाभारत देखने के लिए, दरवाजे एकदम सपाट खुले छोड़कर, चाहे कोई चोर आकर सारा सामान लेकर चंपत हो जाए। वाह साहब वाह, मान गए, क्या जादू है महाभारत का। चोपड़ा साहब, मान गए आपको, आपको शत शत प्रणाम, बहुत बढ़िया सीरियल बनाया आपने। आइए अंदर चलते हैं। आपसे कह रहा हूं, आइए ना, आइए आइए। तो साहब, ये है अपने व्यास परिवार का घर। इनके पिता श्री हरिवल्लभ व्यास जी इस शहर के मशहूर बाइंडर थे, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने काम संभाल लिया। अब बेटों ने यानी दोनों बड़े बेटों ने, अपने भीम साहब तो ऐसे ही मस्तमाला किस्म के आदमी है, यानी कहा है वो शांति स्वरूप और धर्मवीर जी, वो यहीं तक गए महाभारत देखने गए जी। महाभारत देखने जी? हाथ धोगे भाई, यहाँ तो सारा का सारा काम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, और जनाब महाभारत देखने गए? अजी ससुरे टेलीविजन ने तो देश का सत्यानाश कर रखा है, सब काम बंद पड़े हैं, जिसे देखो वही महाभारत देख रहा है, हैं? शराफत की भी हद होती है, 5 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, आज काम पूरा हुआ जाता है जी, अभी काम पूरा हुआ जाता है जी, अभी काम उठाते वक्त तो ध्यान करते नहीं, 5,000 किताबें दे दो जी, टाइम पे बाइंड हो जाएंगी जी। ये श्री वल्लभ व्यास के ना तीनों के तीनों बेटे महानिकम्मे हैं। नहीं जी नहीं, मेरे ख्याल से भीम को छोड़कर बाकी दोनों। अजी रहने दो जी, इन ससुरों को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से, तीनों एक से हैं निकम्मे। अब देखो ना, गौ धूली का पूरा लॉट वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, 10 किताबें तक तो बाइंड हुई नहीं, अब कभी ये लॉट बाइंड होगा, कभी ये रिटेलर के पास पहुंचेगा, है आखिर लुटेंगे तो हम ही ना। अरे इनके बाप का क्या जाता है, मजे से महाभारत देख रहे हैं, माल उठाते वक्त तो मुंह मांगी मजूरी मांगेंगे, और टाइम पे है ना माल पहुंचाया नहीं जाता, है जिसे देखो वो पब्लिशर को लूटने को फिर रहा है। अरे आज आने दो नहीं, हाँ यहाँ ही महाभारत नाम मचवा दिया ना तो मेरा नाम भी मनोहर श्याम देशमुख नहीं। हाँ मामला काफी गंभीर लगता है, देशमुख जी बहुत गुस्से में है। लीजिए महाभारत भी खत्म होने वाली है, इससे पहले कि यहां महाभारत मच जाए मैं चलता हूं, आपसे मिलता रहूंगा। ठीक पहिए की तरह। क्या कहा जी? कुछ नहीं, मैं, 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 मैंने कहा कि मैं चलता हूँ जी। हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ। अरे मैं तो देख लूंगा मैं। अच्छा मिलते हैं। शकुनी का काम बहुत बढ़िया था, है ना? लौटिए, देख ली महाभारत। देशमुख काका नमस्ते। देखो भैया शांति, बहुत हो गया, मैं अपना सारा का सारा माल उठा के लल्लू बाइंडर के फिकवा रहा हूँ, और देरी का पूरा हरदाना तुम्हारे मेहनताने में से काटूंगा, समझ गए? देशमुख जी इस बार थोड़ी सी देर हो गई, माफी चाहते हैं। वो क्या हुआ कि पिछले दिनों भीम ने काम नहीं किया ना, इस वजह से लेट हो गए। अरे तो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपना काम टाइम पे चाहिए था ना। इस बार तो माफ कर दीजिए,
आइंदा देर नहीं होगी, मैं आपका काम कल किसी भी हालत में पहुंचवा दूंगा। अरे तुमको पता है ना कि इस नावल के राइटर मुंशी प्यारेलाल जी की मौत को परसों 50 साल पूरे होने को हैं। हैं? अरे दूसरे पब्लिशरों के तो पूरे के पूरे सेट ना 3 महीने से बैन पड़े हैं, बिल्डिंग तो तैयार है, कल छूट भी जाएगी डाक से। अरे क्या मैं अपना नावल ये गोदाम भरने के लिए बैन करवा रहा हूँ? अरे 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 जाने तो भैया, गुस्सा काहे होते हो? अरे बच्चे हैं, नादान हैं, कर देंगे तुम्हारा काम, कल तक जरूर कर देंगे भैया। ना ना भौजी, अब ना, अब तो इन्हें तुम महाभारत देखने दो बस। अरे अरे भैया मेरी बात तो सुनो। ना भौजी ना, अब ना सुनना कुछ भी, बस बस ना बस। अच्छा जाने दो भैया, जाने दो, कल तक जरूर हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, बस मेरे पे विश्वास कर लो भैया, कल तक कर डालेंगे। ठीक है भौजी, लेकिन देखियो अगर कल सवेरे तक तैयार नहीं हुआ ना तो सारा का सारा नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। ना 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 भैया, कैसे नहीं होएगा, कल तक बिल्कुल पूरा काम आपको मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र मत करो, आप चिंता ही मत करो। अच्छा ठीक है। इसे देखो, वो पब्लिशर की जेब काटने का पड़ता है, आज पूरा हो जाएगा नहीं कल पूरा हो जाएगा। क्यों रे, अरे तू भी चला गया था काम छोड़ के बीच में? काम माँ, मैं टीवी देखने कहाँ जाऊँ, वो तो शकुनी का आखिरी सीन था इसलिए चला गया, पीछे से देशमुख काका आ गए। अरे जब इतना काम होवे नहीं तुमसे तो पकड़ क्यों लेते हो? अरे अम्मा कहाँ इतना काम होवे है, वो तो प्यारे लाल जी की बरसी थी, सो काम इकट्ठा आ गया, मैंने पकड़ लिया कि पता नहीं बाद में इतना काम होवे ना होवे। अम्मा ठीक तो उठाया था, निपट भी जाता, पर भीम ने तो 5 दिन से काम को हाथ भी नहीं लगाया। और अम्मा भीम तो रामलीला की रिहर्सल और सुरूपनखा के रोल में लगा रहता है और रात को 12-12 बजे घर लौटता वो। तुम चुप नहीं रह सकते, देख रहे अम्मा बात कर रही हैं। आने दो आज उसे घर। अरे उसका नाक काट के शूर्पणखा नाम बनाया ना तो मेरा नाम भी शकुंतला नहीं। चलो करो तुम शुरू काम, नहीं बनाओ रही ला मैदा ला, और ये बच्चे के कपड़े बदलो, निपटो अपना काम करो। लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ कैसे, रामलीला में कुंभकर्ण का रोल करेगा? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है मेरे बस के लिए। मान जा यार, देख यार सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, 2 दिन के लिए तुझे रिहर्सल में आना पड़ेगा, वो तो सीताराम को माता ना निकली होती तो मैं तुझे कहता ही नहीं। अरे नहीं यार मेरे बस का नहीं है रामलीला मामले में रोल करना, और मेरे को बाबूजी से पिटवाएगा तू? हाँ मेरे बस का नहीं है, वैसे नौराते सर पे इतना मोटा साया के पूछ मत, 40 सेट का ऑर्डर है, मेरे को ही बनाना है अकेले को, ये भाई भाई तो सब ऐसे ही हैं। अच्छा मेरे को एक काम करना है, कोई दूसरा काम हो तो बता, मेरे को दिन तो मैं जा रहा हूँ। जरा 10 का नोट दे, जरा इस जेब में नहीं है। अबे यार इस जेब में दे, 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 दे। क्या करेगा? ओ यार वो राम राज्य देखनी है, तुझे पता हम रामलीला के आर्टिस्ट है, थोड़ी सीनरी फिनरी देखनी पड़ती है ना। सीनरी फिनरी देखनी पड़ती है, ये ले पकड़, 130 हो गए हैं, ले लूंगा सब, जब होंगे तब दूंगा ना यार। चल जा, फुट फुट। कहाँ फुटू? अरे भाई जहाँ जाना है जा। हाँ तो साहब, ये है अपने भीम का दोस्त और पड़ोसी लक्ष्मण, हवेली राम सुनार का 3रे नंबर का बेटा। पिछली 12 पीढ़ियों से चली आ रही ये सुनार की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकान है। हवेली राम जी के 4 बेटे हैं, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और राम, यानी संपूर्ण रामायण है घर में। जय श्री राम। चारों काम के बड़े पक्के हैं, देखो तो कैसे काम में लगे हैं, पैसे के पक्के पीर। साहब पिछले साल जब अचानक सोने का भाव टूट गया था तो हवेली राम जी को दिल का झटका सा लगा था, तो डॉक्टर ने उनके दुकान पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी, बस घर पर बैठे थोड़ा बहुत सूदखोरी का धंधा देखते हैं। पर साहब आज भी उनकी मर्जी के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता। तो राम कह रहा था, वैसे मेरा भी ये ख्याल है कि घर में एक तिजोरी और होनी चाहिए, तुम्हारी क्या राय है बच्चों? बहू जी जब राम भैया कह रहे हैं तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, ठीक ही कह रहे होंगे। फिर भी सलाह तो करनी होती है ना। क्यों शत्रुघ्न, कैसी बात करते हो राम भैया, आपकी बात पर किसी ने किंतु की है आज तक? तुम लोग भी बहुओं से सलाह कर लो कि वो क्या कहती हैं। क्यों भरत,
अरे बाबूजी, बहुएं क्या कहेंगी? वो आपकी और राम भैया की आज्ञा से बाहर हैं क्या? आपको जो उचित लगे वही कीजिए। तो ठीक है, मैं व्यास के लड़के को बुलाकर उससे बात कर लूंगा। कौन कहता है कि कलयुग है? हैं? धन्य है ये परिवार, ऐसा नहीं लगता जैसे त्रेता युग में आ गए हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। हवेली राम के चारों बेटों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सचमुच कितना प्यार है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, होने को आई है, पता नहीं मुआ कहाँ रह गया है। रामलीला करने चला है, शूर्पणखा बनेगा आज। पूछती हूँ, वह भी खाना देना। अरे कोई खाना आना नहीं है, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से का? अम्मा तुझे पता तो है, रामलीला की रिहर्सल से रोज इसी वक्त तो लौटता हूँ। अरे हम कराते हैं तुहे रामलीला, शूर्पणखा बनने चला है। अरे आज हम ही तो रात काटते हैं। अरे अरे देशमुख आया था, देशमुख खूब खरी खोटी सुना के गया। अरे तो हमें काय बताते हो, हमने तो पहले ही कहा था कि हम नहीं करेंगे किताबें बांधने का काम। अरे दसवीं जमात पास की है कि ये सब काम करने के लिए की है? हाँ वो तो तुम्हें रामलीला करने की खातिर ही पास की है बचवा, या फिर वो मुई कविता करने की खातिर। अरे हटा ले रही खाना, कोई खाना आना नहीं है इसके लिए। पढ़ाया दिन भर ना कोई काम ना धंधा, यहाँ बैठे थे कभी वहाँ बैठे थे, कभी इसको कविता गा के सुनाते तो कभी उसको, और कभी मुआ रामलीला करते। अरे जहाँ रामलीला करते हो वही खाना भी क्यों नहीं खा लेते? देख अम्मा, मेरी कविता और रामलीला को तो गाली मत दे यहाँ। और भाई मेरे हिस्से की किताबें निकाल के रख दे, मैं रात को बांध दूंगा। किस्मत खराब थी सुसरी जो बाइंडरगिरी करनी पड़ी। भाई जरा पानी दे। देखा भैया, मैं ना कहती थी बच्चों ने रात भर काम करके निपटा दिया ना। हाँ ठीक है ठीक है भौजी, ठीक है। ये लो भौजी, ऐसा करो तुम ये अपने पैसे संभालो, लो गिनो। ए भीम, हाँ जरा अपने भैया को भेजना, बाबूजी बुला रहे हैं, जल्दी भेज। अच्छा शांति भाई जरा बाहर आना। 200 रुपये कम लगता है भैया? भौजी बिल्कुल पूरे हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है ना उसके मैंने 200 रुपये काट लिए हैं, बस और कुछ नहीं। काय काट लिया आपने 200 रुपये? क्या बात है, वो हवेली राम सुनार के घर से बुलावा है, जाइए। देखो भैया, रात भर बच्चों ने मेहनत करके इतना काम करके दिया है, तुम्हारा कुछ तो सोचो। अरे भौजी तुम्हारा क्या सोचे, जो मेरा हजारों का नुकसान हो गया उसका तुमने सोचा कुछ? अरे क्या है? हजारों का नुकसान हो गया आपने? और क्या, ये तुम्हारी भी तो छूसता है, आप कमाल की बात कर, आपने 200 रुपये काटे। अरे अम्मा देख, तू हमेशा ही अरे 200 रुपये का पूरा खून चूसता है। अरे अम्मा ये सब कुछ तेरा ही किया था। अरे क्यों मुंह लगाती है तू ऐसे लोगों को, 200 रुपये की बात कर। चल चल चल, से काय भाजी हमारे जहाँ चोट लगी और आपको हंसी आ रही है। अरे अगर माधुरी दीक्षित होती ना तो जहाँ के पट्टी बांधती। देखो बेटे शांति, एक रात में काम हो जाएगा। वो मेरे कमरे की दीवार है ना, और वही जो तुम्हारे कमरे की दीवार से सांझी पड़ती है, मैंने सारी दीवार का कागज बनवा लिया। अब एक तिजोरी से तो काम नहीं चलेगा। शांति भैया ये रखो 3000 रुपए।
दीवार बनाने का खर्चा हमारा। भैया अम्मा से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे तुम घर में सबसे बड़े हो, बड़े कब तक पूछते रहोगे। साझी दीवार का कागज है, बस दस्तखत कर दे, कर दे। ना चाचा, तुम तो जानो अम्मा का स्वभाव, उससे पूछे बिना मैं साइन नहीं कर सकूं। साझी दीवार के 3000 रुपए खाली। क्या भैया आप भी। तो क्या हुआ, अपने पड़ोसी हैं। अरे तो जब सूद लगाते हैं तब पड़ोसी ना होवे, तब तो हवेली राम सुना देवे है कि हिसाब की बात है बेटा, 180 रुपए सूद के बन गए बेटा। अरे तब। अरे अम्मा, उनकी वो जाने। हाँ उनके वो जाने, पता भी है, बड़ी भाभी की दोनों चूड़ियां वो उसी तिजोरी में रखेगा, देख लेना। गरीबों को सब लूटते हैं। अरे क्यों कहता था भीम, तो खुशी की बात सुन, हम लोग टीवी लेने वाले हैं और अब तो महाभारत घर में देखा करेंगे। सच, छोटी भाभी के पियर से आ रहा है क्या। अरे नहीं रे, अम्मा लेके देगी। सुबह ना देशमुख आया था, 2000 रुपए देके गया है। अम्मा देख इतने में तो छोटा टीवी आ जाएगा ना। चुप कर रे, कोई टीवी भी नहीं है। इतने सालों बाद घर में इकट्ठा पैसा आया है, किसी को पता भी है कितने सालों से लड़के के मुंडन नहीं हुए हैं। अब नवरात्रे आने वाले हैं, सबसे पहले मैं हरिद्वार जाकर अपने पोते के मुंडन कराऊंगी। पर अम्मा, वो नवरात्रों में तो मेरी रामलीला भी शुरू हो रही है, उसका क्या होगा। ठीक है, रामलीला के 2 दिन बाद चलेंगे। पर अम्मा टीवी का क्या होगा, तेरी बहू कह रही थी कि सुंदर को महाभारत देखने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। तो चुप कर, सुंदर तो बच्चा है, जाता है तो क्या। अरे इसको खुद को ही टीवी देखने का चस्का है ना, इसीलिए कहती होगी। तू ये की चेन बेच कर ले आ टीवी। नहीं नहीं अम्मा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये खुद ही ऐसा कह रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, किसी ने नहीं कहा है ना, बात खत्म। 3000 कम है बेटा तो 4000 दे देंगे। वो बात नहीं चाचा, सब कह रहे थे पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। कैसी ऊंच नीच शांति भैया, काहे घबराते हो। भैया हम गरीब आदमी हैं, वैसे भी अम्मा ने जो कह दिया सो कह दिया। कराना मुंडन, मुंडन मत कराना। ओहो टीवी दिला देंगे। क्या हो गया? ए भौजी, ए रो क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं, सुना रहा हूँ कि घर महाभारत देखने गए थे। उन्होंने कहा आज टीवी ना लगे, बाबू की तबीयत ठीक ना। अम्मा देख जा। चुप कर चुप कर। अरे तो सरदारों के घर आ जाना था ना। बस अम्मा मन ही ना किया मेरा, वहाँ पहले ही इतनी भीड़ जमा थी। लेकिन अम्मा टीवी की आवाज सुनारों के घर से यहाँ तक आ रही थी, इसका मतलब है उन्होंने झूठ बोला है हमसे। चुप। अच्छा अच्छा ला, अब सुन ले। अब मेरी तरफ एक बार देख ले, अब मेरी तरफ देख ले यार, एक बार देख ले। मेरे को ऐसा लगता है अम्मा, हमने उनकी तिजोरी वाली बात नहीं मानी ना, तभी तो ऐसा कर रहे हैं वो लोग। अरे तो क्या बच्चे के साथ खुन्नस निकालेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था पड़ोसियों से बिगाड़ मत करो। शांति तू हाँ कह दे तिजोरी के लिए। बात बाहर नहीं जानी चाहिए बेटा, अब जो कुछ है सो है ही। तुम जानो ये इनकम टैक्स वाले वो। आप फिक्र ना करें चाचा। अरे बेटा हमें फिक्र काहे का, हमारे लिए तो जैसा राम जैसा लक्ष्मण वैसा तू। अरे हाँ, अपनी बहू से कहना इस सुंदर को महाभारत दिखाने के लिए जरूर लेके आवे। इनकी अम्मा ये लो मेरी भतीजी के शादी के लड्डू। बहू सुंदर कहाँ है, महाभारत ना देखेगा आज? महाभारत ही देख रहा है। कहाँ बैठा है, मेरे घर तो ना आया आज। अरे टीवी ले लिए है ना हम, वो बैठा है अंदर। अच्छा
वाह माँ वाह, इसे कहते हैं मियाँ की जूती मियाँ के सर। सुनारों से पैसा लेकर उन्हीं का मुंह तोड़ दिया। तो साहब अपना व्यास परिवार बहुत खुश नजर आ रहा है, अब तो हर हफ्ते यही देखी जाएगी महाभारत। हैं? अरे ये लोग तो कहीं जा रहे हैं। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आया, अम्मा ने बताया तो था कि सुंदर के मुंडन के लिए हरिद्वार जाना है, शायद वहीं की तैयारी है। शायद क्या वहीं जा रहे हैं। गंगा का पावन तट, ठंडा ठंडा जल। साहब मैं पहिया, मेरा मतलब मैं सूत्रधार आपसे माफी चाहूंगा, मैं भी चलता हूँ। जनाब अगली बार आप इस व्यास परिवार से मिलेंगे हरिद्वार में, पर मिलिएगा जरूर, क्योंकि वहां एक खास घटना घटने वाली है। जी माफ कीजिएगा, अभी नहीं बता सकता, जानना चाहते हैं तो पहुंचिएगा ना हरिद्वार अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए ये पहिया। इस धारावाहिक पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। पता है